हमने इंसान को मुशक्कत ही में पैदा किया। यह मुशक्कत हर इंसान का मुकद्दर है। लोग घरों को छोड़कर आए हुए हैं, कहां कहां इंसान जाता है ये इस दुनिया में मेहनत और मुशक्कत। हां, एक मुगालता हो जाता है कि शायद ये महलों में रहने वाले जो हैं इन्हें कोई मुशक्कत नहीं, इन्हें कोई दुख नहीं। हालांकि हकीकत यह नहीं है। जो जितना अमीर है आप देखेंगे उसकी जिस्मानी मुशक्कत कम है, जहनी कोफ्त ज्यादा है। ट्रैंक्यूलाइजर्स की इन्हें जरूरत पड़ती है, इन्हें सेडेटिव्स चाहिए, ख्वाब आवर दवाएं मजदूर को नहीं कभी जरूरत पड़ेगी। वो 8 घंटे की मेहनत करने के बाद ऐसा सोता है कि वो सुबह ही की खबर लेगा। और ये वो लोग हैं कि जिनको हिप्नोटिक्स, ख्वाब आवर दवाइयां, सेडेटिव्स, मुसक्किन अदवियात, ये सारा लिबनियम और ये वेलियम और ये फला और ये फला, ये कितने आ जाते हैं। जहनी सुकून और इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं। किसी की जिस्मानी मुशक्कत है, किसी की जहनी मुशक्कत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं महात्मा गौतम बुद्ध का मामला। 30 बरस की उम्र में कपल वस्तु का शहजादा महल को छोड़कर निकल गया, जवान बीवी को सोता हुआ छोड़कर गया, शीरखार बच्चे को छोड़कर गया। राजधानी में रहने वाला महल का बासी, जिसे ये मालूम है कि बाप के बाद मुझे ये सल्तनत मिलने वाली है, क्यों गया कभी कभी आपने सोचा? उसने इंसान के गम और दुख का मुशाहदा किया। उसने देखा कोई अंधा है, ठोकर खाकर गिर रहा है, कोई वालिदैन खड़े हुए रो रहे हैं और उनकी निगाहों के सामने उनका निहायत महबूब बच्चा दम तोड़ रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते। उसने सोचा ये सदमा क्यों है इंसान के, ये दुख उसका मुकद्दर क्यों है? इस सदमे से, इस दुख से निजात पाने की भी कोई शक्ल है कि नहीं है? इंसानों की एक अजीम अक्सरियत, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है कि वो लद्दू ऊंट और कोल्हू का बैल बनकर जिंदगी बसर करती है। जो 8 घंटे तक ईंटें ढो रहा हो, उस शख्स का तसव्वुर कीजिए आप, वो वाकई इंसान है या हैवान बन गया है? और 8 घंटे की इस मेहनत के बाद भी हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी उसे पूरी ना मिले। और ये तो हो सकता है, नहीं होता है, कि अगर बच्चा बीमार पड़ गया है तो शायद कोई बर्तन बेचे बगैर उसकी दवा का सामान ना कर सके। ऐसा शख्स कितने बोझों तला दबा हुआ है, कितनी मुशक्कत के अंदर पिसा हुआ है। लद्दू ऊंट और कोलू का बैल इंसानों की अजीम असरियत की सतह पर जिंदगी बसर कर। लेकिन आपको मालूम है कि कोलू के बैल के लिए मुशक्कत ही मुशक्कत है, उसके एहसासात लिए नहीं है, जो कि उनसे इंसान को जो सदमा पहुंचता है। एक बैल को इससे कोई गरज नहीं कि उसका कोई बच्चा भी था कि नहीं था और उसको कोई बुखार हुआ है या क्या हुआ है, इस सदमे से वो बैल बचा हुआ है। घोड़े को कोई पता नहीं कि मेरा भी कोई औलाद मेरी है या नहीं है और मुझे उसका कोई सदमा है या दुख है, कोई पता नहीं। लेकिन इंसान का मामला यह है कि वालिदैन को जो जो दुख देखने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, रात की नींद है हराम है इसलिए कि बच्चा बुखार में तप रहा है या दर्द से तड़प रहा है, लिहाजा ना मां सो सकती है ना बाप सो सकता है। मैंने एक मौके पर देखा, लाहौर में केरोसिन ऑयल, उस जमाने में अभी सुई गैस नहीं आई थी और अक्सर वो बेशतर जो है यही मिट्टी का तेल जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसकी शॉर्टेज हो गई थी तो कई कई फरलांग लंबी कतारें लगती थी उन दुकानों के बाहर, डिपो के बाहर। और ऐसे ऐसे मंजर भी कि एक खातून बुर्का पोश, एक गोद में बच्चे को लिए हुए, एक की उंगली पकड़े हुए, बोतल हाथ में लिए हुए तेल के लिए, और कई कई घंटे खड़ी है दुकान। ये मुशक्कत इंसान झेलता है कि नहीं? गालिब ने इसका नक्शा खींचा है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। हम भूल जाते हैं, वरना वाकया यह कि कल्ब हसास हो अगर और कैद हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। अच्छा यह तो हुआ लकद खलकना इंसान फी कबद। हैवानात का मामला एक और एतबार से आसान है, उनसे कोई मुहासबा भी है क्या, कोई जवाबदेही भी है, कोई उनको अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब भी देना है? नहीं।
انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کا، اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر، اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے اتے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج خورانا لبا اتے نا کیتے بئی نظارے۔